स्टूडेंट्स, अब तीनों प्रिंसिपल जानने के बाद मैं आप लोगों को आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाव प्रिंसिपल को। अबाव प्रिंसिपल यूज होता है एनर्जी लेवल्स को के बारे में पता करने के बारे में, किसका एनर्जी, कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अप करते हैं ना, वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, जब वो फुल कैपेसिटी में फिलअप हो जाएंगे तो अगले एनर्जी लेवल में और फिर उससे अगले में। अब एनर्जी लेवल को पता करने का तरीका है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल के लिए एक छोटा सा चार्ट मैं आप लोगों को बनवाती हूँ, आप साथ साथ बनाना और समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहला ऑर्बिटल जो होता है वो होता है 1s का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। इसमें एक ही सबशेल होता है और इस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। दूसरा, सेकेंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसमें एस और पी, 2p दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड में 3s, 3p एंड 3d। फोर में 4s, 4p, 4d एंड 4f। इसी तरह से 5s, 5p, 5d, 5f। आप 6th और 7th के लिए भी बना सकते हैं। आप ये ध्यान दें कि देखिए, मैंने ये सारे s जो शेल्स हैं एक लाइन में रखे हैं, p एक लाइन में रखे हैं, d एक लाइन में रखे हैं और f एक लाइन में रखे हैं, क्योंकि हमें अब बिल्डिंग अप करनी है, इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स को पहचानना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इनको डायगोनली काटते चले जाएंगे। देखिए 1s नीचे की तरफ एरो, फिर ये कटेगा 2s, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। फिर इसके बाद किसका नंबर है, 3s। जो जो इसकी लाइन में आएगा, इस लाइन में, सीधी लाइन में, वो कट जाएगा। ये इस तरह से बन गया, देन इस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया। ये आपको इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल बताने वाला है 1s। सबसे पहला लोएस्ट एनर्जी लेवल है 1s। 1s के बाद किसका नंबर आएगा, हम इस वाले एरो को वापस यहां ले जाएंगे और किससे जोड़ेंगे, जो अगली जो भी लाइन हमें मिल रही है, ये किसकी तरफ जा रहा है, 2s पे। तो अगला 1s से ज्यादा किसका हो गया, 2s का हो गया। 2s के बाद इस लाइन को हम फिर एक्सटेंड करेंगे वापस और किससे जोड़ देंगे, जो इससे अगली लाइन में, क्या आया इसमें, 2s के बाद 2p, 2p के बाद आता है आपका 3s। 3s के बाद हम फिर से वही काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे यहां लाके। 3s के बाद आ गया आपका 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद वापस 3d, 4s के बाद 3d। देखा आप लोगों ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, फिर भी 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। यही तो ये आपको अबाव प्रिंसिपल बता रहा है। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये चार्ट बताता है। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, इस तरह से हम इनको बढ़ते चले जाएंगे। अब भर लेते हैं, एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ये हमने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इससे जान लिया। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे तो एक ये चार्ट जरूर अपनी कॉपी में बना लेंगे। शुरुआत में आप लोगों को इसकी जरूर जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेंगे। थोड़े दिनों बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको बिना चार्ट के भी बना लोगे। देखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हम एटोमिक नंबर 15 ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 15 यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हमने फिलअप करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में। सबसे पहले हम किसमें फिल करेंगे, 1s। s एक ऑर्बिटल है, कैपेसिटी एक ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 1s के बाद किसको भरेंगे हम, 2s। s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s2। इसके बाद किसका नंबर है, 2p का। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम कितने फिलअप कर चुके हैं, 2 और 2 4 हमारे पास, वेरी गुड, है 6 इलेक्ट्रॉन्स। हम कितने भर चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, हमारे पास अभी 5 बाकी हैं।
2p के बाद किसको बनेंगे 3s2, तीन इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं, तो 3p आ गया अभी हमारा 3p3। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, 2, 4 and 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसको मैं ऑर्बिटल्स में भी आपको भर के दिखाती हूँ, इसी का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। देखो 1s को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1s दो इलेक्ट्रॉन है 2, अगला हम क्या करेंगे 2s दो इलेक्ट्रॉन है 2, फिर आ गया कौन सा आपका 2p 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। देखो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 1, 2, 3, देन पेयरिंग अप 4, 5, 6, उसके बाद 3s 2, 1, 2। इसके बाद ये यहां मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैं यहां बना देती हूँ, अदरवाइज आप एक ही लाइन में बनाएंगे। 3p, 3p के लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3p में तीन ऑर्बिटल्स हैं तो हम क्या लिख रहे हैं 3p 3। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे 1, 2, 3, पेयरिंग नहीं होगी। आप लोगों को जब मैं शेप बताऊंगी ऑर्बिटल्स की तो मैं इनको बताऊंगी 2px, 2py, 2pz के बारे में भी बात करेंगे, अभी हम इतना ही जानेंगे। ये क्या हुआ 3p 3, पेयरिंग नहीं हुई, क्यों, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वजह से। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स अपना सॉल्व करके देखेंगे। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ, मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना ले लें 18 ले लेते हैं। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे मैं लिखूंगी आपकी बात, 1s2 वेरी गुड, 2s2 देन 2p 6, कितने हो गए 10 हो गए, 8 रह गए अभी, 2p के बाद किसका नंबर है 3s2 एंड देन 3p 6, कितने हो गए देखें, हो गए पूरे 10, 11, 12 and 6, 18। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन की और बात बता देती हूँ मैं आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के एटॉमिक नंबर है 24 क्रोमियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या हो गया, आप लोग बोले 1s2 वेरी गुड, 2s2 शाबाश, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2 एंड 3d 4, ऐसा होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन यहां पे एक काम गड़बड़ हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s 2, 3p 3d 4 ना होकर के 4s 1 और 3d 5 हो जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्यों हो रहा है ये मैं बताती हूं, जब भी कहीं d और f ऑर्बिटल आता है, p के साथ नहीं है ये, जब भी d एंड f ऑर्बिटल आता है तो वहां पे स्टेबिलिटी होती है कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की। d में हाफ फिल्ड होंगे 5 और कंप्लीटली फिल्ड होंगे 10, f में हाफ फिल्ड होंगे 7 और कंप्लीटली फिल्ड होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जब हम यहां थे क्रोमियम में तो 3d कितने हो रहे थे 4 हो रहे थे, ये मान लीजिए हमारे पास, मैंने इनका ऑर्बिटल बना दिया तो ये इस तरह से फिलअप हो रहे थे, और हाफ अपने आप को हाफ फिल स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल का है, अपने आप को कंप्लीटली फिल हाफ फिल स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो 4s के पास तो 1 बच गया और 3d हाफ फिल स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। ये एक्सेप्शनल है जहां पे 4s 1 है और आउटर मोस्ट वाले में हाफ फिल स्टेबिलिटी है। इसी तरह से जब कभी f होगा, f में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो भी अपने पीछे वाले s से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को 7 बना लेगा, या 13 हो जाएंगे तो वो 14 बना लेगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो ही होगा, दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये चीज नहीं होगी, अगर 3d 3 है तो नहीं होगा, सिर्फ 3d 4 में और 3d 9 में होगा। मैं आपको 3d 9 का भी एग्जांपल दे देती हूं, अभी एग्जांपल आता है कॉपर का, एटॉमिक नंबर है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p वेरी गुड, 6 बोलते जाएं प्लीज, 3s 2 3p 6 4s 2 एंड 3d 9, ऐसा होना चाहिए,
अब आप बताएंगे क्या हो रही है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहां पे है, ये कंप्लीटली फिल होने में एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो क्या करेगा? यस, बिल्कुल, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, छीन लेगा, मुझे भाई कंप्लीटली फिल होने दो, तुम्हारे पास कम होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव टू बी स्टेबल, क्योंकि d और f दादागिरी करते हैं s के ऊपर, p नहीं करता, p के साथ नहीं, अगर 2p 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 5 है तो वो 5 ही रहेगा, वो नहीं छीन सकता है s से, क्योंकि उनकी एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं है, s और p ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, d और s में बहुत डिफरेंस है एनर्जी लेवल में, तो ये इसे छीन करके अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कब? जब कंप्लीटली फिल्ड होने में एक कमी हो या हाफ फिल्ड होने में एक कमी हो, तो ये एक्सेप्शन होते हैं। होपफुली आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे समझ में आ गया है। इसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एटॉमिक नंबर्स को लर्न कीजिए और ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिनों में आप परफेक्ट हो जाएंगे, इस चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप फिलिंग अप करना शुरू कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों के साथ ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में भी डिस्कशन करूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।